सपा प्रत्याशी ने किया आचार संहिता और कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन, जश्न का जुलूस निकाला। मुरादाबाद के देहात विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी नासिर कुरैशी ने नॉमिनेशन कराने के बाद शहर के थाना गलशहीद इलाके में जश्न का जुलूस निकालकर आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का सीधे तौर पर उल्लंघन कर दिया है। उनके सैकड़ों समर्थक जुलूस की शक्ल में चल रहे थे और सपा प्रत्याशी नासिर कुरैशी नोटों की माला पहनकर उनके बीच मौजूद थे। सिंबल मिला है, टिकट दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी ने, मेरे ऊपर भरोसा जताते हैं मुरादाबाद देहात विधानसभा 27 से, और उसी का मैं अभी नामांकन करा करके आया हूँ। तो तमाम ग्रामीण विधानसभा 27 की आवाम यहाँ पर स्वागत करने के लिए मेरे आवास पर आई है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और फिर मैं इनसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी सीट पर उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं उनके उनके मौके पर उनके भरोसे पर पूरा खरा उतरने का काम करूँगा। और ग्रामीण विधानसभा 27 की आवाम से कहना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त बहुत कम है, अभी चुनाव है, आप सब जाकर के जुट जाइए। क्योंकि अभी आपने देखा कि अभी 2 साल पहले यहाँ पर CA NRC कर दबे कुचले और अल्पसंख्यक हैं, उन सबको किसी सेंटर में बंद कर दिया गया होता, तो इसी तरह से 2 साल के अंदर ये सरकार निकल गई कोरोना में। अब मौका है, आप किसी के बहकाए में ना आए, समाजवादी पार्टी का बटन दबा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और दबे और कुचले और गरीबों की मदद करने का काम करें, बीजेपी को हटाने का काम करें, समाजवादी पार्टी को लाने का। प्रचार प्रसार कैसे रहेगा, कैसे करेंगे प्रचार प्रसार कैसे रहेगा? प्रचार देखिए, आप देख रहे हैं जिस तरह से आचार संहिता लग गई है और कोरोना काल चल रहा है, उसी को फॉलो करते हुए जिस तरह से 5 आदमी की इजाजत दी है, अगर आप करना चाहेंगे तो मेहनत रात दिन करके, और इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी को तो मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम लोग तो पैदल ही काम करने वाले लोग थे और पैदल ही काम करेंगे, इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। किसी का मतलब टिकट भी काट दिया, क्या कहना चाहेंगे जी? टिकट भी काटा गया किसी का? देखिए, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का काम है, वो तो उनका देखना है, लेकिन ये इतनी बात जरूर है कि किसी का टिकट अगर काटा है तो किसी बुराई से नहीं, यही चीज होती है कि भाई अब आप बुजुर्ग हो गए, अब आप हटाइए, अब किसी नए बच्चों को मौका देते हैं, आपने खिदमत जिंदगी भर करी है, अब किसी बच्चे को और मौका दे तो कहीं ना कहीं आप उम्रदार बना रहा। नहीं, उम्रदार क्या है, तो आंखों से दिखाई दे रहा है कि भैया कोई 60 साल का तो 60 का कहलाएगा, कोई 30 का तो 30 का ही कहलाएगा, इसमें काहे की बात है, तो भाई दुनिया को दिखाई दे रहा है, इसमें कोई बुराई की बात क्या है? प्रोटोकॉल से वो हमारे बुजुर्ग हैं और उन्होंने खिदमत करी, जिंदगी भर करी है, अब उनको कह दिया कि भाई अब तुम मतलब ये अलग बैठी है, किसी बच्चे को देते हैं वो खिदमत करेगा, तुम्हें कोई वैसा काम दे दिया जाएगा, ये चीज। अच्छा, बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपके सामने कहा कि बीजेपी तो अब तक जो है गरीबों को, दबों को, कुचलों को, किसानों को, मजदूरों को, और महंगाई और बेरोजगारी आपके सामने है, आपको मौका मिला है, समाजवादी पार्टी की सरकार बना लीजिए और गरीबों का भला कर दीजिए और किसानों का और मजदूरों का भला कर दीजिए। प्रोटोकॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोटोकॉल के बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि मैं 3 लोगों को ले जा करके अभी नामांकन किया है, और मैंने कहा समाजवादी पार्टी के अंदर तो गरीब लोग हैं, जश्न भी मनाएगी आप, जश्न भी मनाएगी आपके द्वारा, जश्न मनाएगा कोरोना भी है, आपने देखा है क्या जश्न है, कहां वहां से आन करके बेचारे ये लोग स्वागत कर रहे हैं, क्या जश्न है, और आपने देखा कि अभी 3 लोग जा करके अभी हम अपना नामांकन करा के वायरस का वक्त कोरोना के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस हिसाब से कोरोना के लिए कहना चाहूंगा, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, अपने आप को सावधान रखें, और ये वायरस खतरनाक है, इससे बचने का काम करें। ठीक।